वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी सेफ हैं एंड ठीक हैं सो आई वेलकम यू ऑल ऑन टू इन टूडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट द सेशन एक्जैक्टली एट एट ओ क्लाक हम लोग दो ही मिनट में हमारा सेशन स्टार्ट कर देंगे टिल देन आई वुड लाइक आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को भी ये सेशन शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारा जो कंटेंट है और हमारी जो चैनल है इट कैन रीच टू मोर स्टूडेंट्स ठीक है तो so, हम लोग द सेशन विद इन टू मिनट प्लीज टेल मी की मेरा ऑडियो क्लियर है एंड आपको जो स्क्रीन है वो बराबर से दिखाई दे रही है okay everything seems fine Tell you. So let's start our today's session good morning pankaj ji वेरी गुड इवनिंग टू ऑल मैं हूं कोमल परिक और आप सभी का स्वागत करती हूं इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एन एकेडेमी में आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गेट एंड ई एस सी सिविल में सो लेट्स बिगिन आर टूडे सेशन आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपो uh, ट्रांसपीरेशन एंड एवेप, इवेपो uh, ट्रांसपीरेशन के बारे में हम लोगों ने कल तक uh, uh, सिर्फ इवेपोरेशन जो टॉपिक था विच वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ लॉस वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था राइट बिफोर बिगनिंग आर टूडेज सेशन फॉर दो स्टूडेंट्स न्यू एंड जिनको अभी तक पता नहीं है अन अकेडमी लर्निंग एप के बारे में यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर इट इज टोटली फ्री एंड देर आर नाउ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्सोडेड दिस एप एंड हु डेली बेसिस बहुत सारे बच्चों ने ये ऐप इंस्टॉल कर लिया है और वो हर रोज बहुत सारे लाइव लेक्चर्स एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे अन एकेडमी लर्निंग एप पर पढ़ते हैं अगर आप पूछें कि क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमको अन अकेडमी लर्निंग ऐप से तो दिस आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ आर अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको हर रोज डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे जिस तरह से आपको यूट्यूब पर मिलती है एंड अपार्ट फ्रॉम द लाइव क्लासेस अगर आप चाहें कि उस क्लास में आपको क्वेश्चन पूछना है डाउट पूछना है देन आप कमेंट सेक्शन में जाकर एट द सेम टाइम यू कैन आस्क योर डाउट्स टू द एजुकेटर हु इज़ टीचिंग यू एंड आफ्टर आस्किंग योर डाउट्स ही विल आंसर योर डाउट्स एंड नॉट ओनली दैट अगर आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर रहे हैं तो आप वहाँ पर पोल्स में आंसर भी दे सकते हैं ताकि आपको पता चले कि अगर आप uh, जब रियल में एग्जाम देंगे तब आप हाउ यू विल अटेम्प्ट इट एंड यू कैन गेट द रियल टाइम प्रैक्टिस ऑफ योर एग्जाम ठीक है एंड देयर इज डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेज सो जैसे ही आपके थोड़े टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए जाएंगे आपकी टेस्ट ली जाएगी सो दैट यू कैन इवेल्यूएट योर सेल्फ कि आपकी कहाँ पर uh, आपके कौन से कॉन्सेप्ट वीक हैं आपको कहाँ पर कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ठीक है सो देर विल बी मोक टेस्ट एंड क्विजेस एंड यू विल गेट द डिटेल्ड एनालिसिस आफ्टर दैट टेस्ट इज गेटिंग कम्प्लीटेड राइट एंड अगर लाइव में टेस्ट हो रही है देन आफ्टर द क्वेश्चन इज गेटिंग कम्पलीटेड जो भी एजुकेटर होगा वो एट द सेम टाइम आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देगा जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कौन से स्टेप पर कौन से स्टेप पर कौन से पॉइंट पर मिस्टेक हो रही है राइट right? एंड फिर भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है देन एट द सेम टाइम आप कमेंट uh, सेक्शन में जाकर उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ठीक है एंड आप अगर कोई लेक्चर मिस कर देते हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप नहीं देख पाएंगे यू हैव सम वर्क अर्जेंट वर्क तो आप उस लेक्चर को बाद में रिकॉर्डेड सेशन में भी देख सकते हैं देर आर रिकॉर्डेड कोर्सेज विच आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन आर अन एकेडमी लर्निंग एप एंड उतना ही नहीं अगर आप उस रिकॉर्डेड सेशन की पी डाउनलोड करना चाहें कि आप अपने नोट्स अच्छे से बना सकें तो आप उसको आराम से वापस से पी डाउनलोड करने के बाद नोट्स भी बना सकते हैं ठीक है एंड हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं जो अपकमिंग कोर्सेज होंगे वो सारे स्ट्रक्चर्ड होंगे जिससे आपको पत, पता चल जाएगा कि कौन सा लेक्चर कौन से एजुकेटर कब लेने वाले हैं ठीक है सो दिस आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ आर अनएकेडेमी लर्निंग ऐप ठीक है सो इफ़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे अन एकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से एंड वाई गोइंग फॉर योर सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माई कोड कोमल पी एंड गेट टेन परसेंट ऑफ ऑन यूर प्लस गुड इवनिंग जे एन बी जी यस दो देर आर वेराइटी ऑफ पैकेजेस अवेलेबल बट यू कैन सी द मोर यू मेक अ लॉन्ग टर्म प्लान मोर एडवांटेजेस यू विल हैविंग राइट बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ आपको इट विल बी हेल्पफुल क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारी एग्जाम्स वन बाय वन वन आफ्टर द अदर आती रहती है ना तो ऐसा नहीं है कि आप मेरा कोड यूज करेंगे तो सिर्फ आप मेरे ही लेक्चर्स देख पाएंगे लेकिन अपार्ट फ्रॉम माई लेक्चर्स जितने भी एजुकेटर्स अन एकेडमी पर पढ़ाते हैं इन द प्लस आप सभी उन सभी के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं एंड यू कैन एसेस इट ऑल्सो इन द ऑफलाइन मोड आफ्टर यू डाउनलोड योर लेक्चर ठीक है एंड अगर आप चाहें तो सारे लेक्चर्स की पी डी एफ भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप बाद में आ, आराम से नोट्स बना सके अगर आप वाइल्ड द क्लास वॉज गोइंग ऑन अगर आप उस टाइम पर क्लोड नोट्स नहीं बना पाए तो आप बाद में भी नोट्स बना सकते हैं ठीक है तो ये तो हो गई बात हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर आप लोग चाहें कि आपके uh, कुछ क्वेश्चन हैं क्वेरीज है रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन तो आप ये फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी ठीक है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल गेट द लिंक फॉर दिस अन अकेडमी स्टूडियोज फीडबैक फॉर्म एंड आफ्टर फिलिंग दिस फॉर्म आपको सबसे पहले टिक करना होगा गेट एंड ये सी सिविल देन यूर नेम देन यूर नंबर एंड एट लास्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ एजुकेटर विथ होम जिसके साथ आपको बात करनी है आप अगर अपना नाम uh, अगर आप उनका नाम लिख देंगे दैन आफ्टर दैट यू विल गेट कनेक्टेड विद दैम एंड आपको जो भी क्वेरीज है रिगार्डिंग यूर सब्सक्रिप्शन एंड ऑल यू कैन आस्ट देम देअर गुड इवनिंग रवि गुड इवनिंग राजकुमार जी गुड इवनिंग ब्रिजेश जी ओके ठीक है तो आज का हमारा सेशन है ऑन ट्रांसपिरेशन एंड इवेपो ट्रांसपीरेशन लेकिन बिफोर बिगिनिंग आर टूडेज सेशन हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कितना पोर्शन कंप्लीट कर दिया था है ना तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन देन सेकेंड लेसन वॉज ऑन प्रेसिपिटेशन एंड द थर्ड लेसन वॉज ऑन एब्सट्रेक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन एब्सट्रेक्शन को हम लोगों ने नॉर्मली किस फॉर्म uh, में कहा था इट इज नथिंग बट योर इन सिंपल वर्ड्स इट इज लॉसिस जो रेनफॉल हो रही है बारिश होने के बाद हमको पता है कि सारे का सारा पानी हमको रन ऑफ के तौर पर नहीं मिलेगा कुछ पानी ऐसा होगा जो लॉस में निकल जाएगा अब वो लॉसेस को हम लोगों ने आगे क्लासिफाई किया था इन फाइव कैटेगरीज ठीक है फर्स्ट वन वाज़ द इवेपोरेशन कुछ वाटर है वो एवेपोरेट हो जाता है बैक टू द स्काई द सेकेंड वॉज ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन एंड इवेपो ट्रांसपीरेशन वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा ऑल्सो डिप्रेशन स्टोरेज एंड इंटरसेप्शन ये हम लोग आज के सेशन में पूरा कंप्लीट कर देंगे And evaporation को हम लोगों ने डिटेल में लास्ट टू लेक्चर्स में पढ़ लिया है राइट सो एंड इज इनफिल्ट्रेशन हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे ठीक है वो topic miss है वो वाला मत कीजिएगा, ना? चलिए, सो so ये थे हमारे टाइप्स ऑफ लॉसेस अब उसमें हम लोगों ने कल देखा था मेजरमेंट इवेपोरेशन मेजरमेंट की हमारे पास टोटल तीन मेथड्स थी फर्स्ट वन द दिमीटर जिसको हम लोग सिंपल टर्म्स में क्या कहते हैं पान मेजरमेंट द वन वॉज द इम्पेरिकल इक्वेशन एंड द द थर्ड वन एनालिटिकल मेथड्स ठीक है एंडलिटिकल so, हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद द क्लास ए पान मेड बाई दू एस वेदर ब्यूरो इसमें आपको सिंपल कितना याद रखना है इट इज मेड अप ऑफ अनपेंटेड एंड इसका पान पोफिशन कितना होता है इट इज जीरो पॉइंट सेवन वन वॉज द इंडियन स्टैंडर्ड इवेपोरेशन पान विच इज मोडिफिकेशन ओवर क्लास ए पान है ना इट इज द मोडिफिकेशन विच इज मेड ओवर क्लास ए पान तो ऑब्वियसली जो हमारा पान कोफिशियंट है वो उसे कुछ ज्यादा आना चाहिए तो द पान कोफिशियंट वैल्यू फॉर आई एस आई पान इज जीरो पॉइंट एट ठीक है एंडल्स यूर स्टडी दर्ड एंड फोर्थ वन वॉज कोलोराडो संकन पान एंड यूएस जियोलॉजिकल सर्वे पान ठीक है सो so, ये पान कोफिशियंट हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कशन uh, किया था एंड इसके बेस पर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी कम्पलीट कर दिया था राइट ये आपको याद रखना है द ऑर्डर ऑफ इवेपोरेशन सबसे ज्यादा इवेपोरेशन किस में से होगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है सो द मैक्सिमम इवेपोरेशन विल बी फ्रॉम क्लास ए पान इसका कोफिशियंट जो है पान कोफिशियंट इट इज लीस्ट हमको पता है वॉट इज पान इट इज लेक इवेपोरेशन डिवाइडेड बाई पान कोफिशियंट ये सिंपल फॉर्मूला है कि लेक इवेपोरेशन हमको अगर चाहिए देन वी विल मल्टीप्लाई लेक इ पान इवेपोरेशन ठीक है सो ई एल इज इक्वल टू सी पी ईपी ई पी तो ई पी कितना हो जाएगा ई एल अपॉन सी पी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जितना हमारा सी पी का वैल्यू जितना कम होगा उतना ई पी ई पी का वैल्यू ज्यादा आएगा है ना ठीक है बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सो रिमेंबर द मैक्सिमम इवेपोरेशन विल अकर फ्रॉम क्लास ए पान एंड मिनिमम इवेपोरेशन विल अकर फ्रॉम आई एस आई पान देन वाई पान एवेपोरेशन इज मोर देन लेको हम लोगों ने इसके दो रीजन डिस्कस किए थे देन वी हैव सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑन बेस्ड ऑन देट एंड फिर हम मैंने आपको डिटेल में प्रोसीजर भी बताई थी कि किस तरह से बाई यूजिंग ओपन पान एवेपोरी मीटर हम लोग किस तरह से निकालते हैं हमारा इवेपोरेशन यहाँ पर क्या होता है अंदर एक well, स्टीलिंग वेल Uh, जिसके अंदर एक रेफरेंस लेवल बनाया हुआ होता है एंड उस रेफरेंस लेवल से कितना पानी गिर रहा है और यू कैन से कितना पानी है वो इवेपरेट हो रहा है वो हम लोग मेजर करते हैं आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स है ना देन द नेक्स्ट वॉज द एम्पेरिकल मेथड एंड द एम्पेरिकल मेथड में सबसे पहले हमारी थी मेयर्स मेथड मेयर्स मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये हम लोगों ने कल डिटेल में डिस्कस की थी एंड बेस्ड ऑन इट वी हैव ऑल्सो सोल्व वन न्यूमेरिकल देन वी हैव डन द एनालिटिकल मेथड हम लोगों ने इसको वेरी इन वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे हम लोगों ने डिस्कस किया था बिकॉज वी नो दैट कि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं बट मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था कि कौन सी मैथड का क्या सिग्निफिकेंस है, है ना एंड द मोस्ट रिलाएबल मैथड वॉज द मास ट्रांसफर मैथड इट इज यू कैन से पार्ट ऑफ एडवांस्ड हाइड्रोलॉजी देन वी हैव स्टडीड द फोर डिफरेंट मैथड्स बाय वी कैन रिड्यूस देशन द फर्स्ट वन वॉज द सर्फेस एरिया ऑब्वियसली जितना हमारा सरफेस एरिया है वो कम होगा उतना हमारा इवेपोरेशन है वो कम होगा और यू कैन से रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा उतना कम होगा द सेकेंड वन वॉज द बाई अप्लाइंग मैकेनिकल कवर्स अगर हम लोग हमारा जो वाटर सरफेस है उसको डायरेक्ट सनलाइट की रेज से प्रिवेंट कर देंगे देन क्या होगा कि हमारा इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगा बिकॉज हमको पता है कि वो जो सनलाइट की जो रेज आती है डायरेक्टली वही इफेक्ट करती है मेजरली वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज होने में है ना द थर्ड वन वॉज द केमिकल कवर उसमें हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट केमिकल डिस्कस किए थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही बट दे आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द एवेपोरेशन द फर्स्ट वन वॉज द सिटाइल अल्कोहल एंड सेकेंड वन वॉज द स्टीराइल अल्कोहल एंड दिज आर सम ऑफ द डिजाइरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ दिज टू केमिकल्स राइट इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस एंड नॉन टॉक्सिक इट इज़ पॉर्वियस टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाई ऑक्साइड मतलब अगर हमारी Uh, जो एक्वेटिक लाइफ है उसको अगर uh, हम लोग केमिकल uh, कवर से अप्लाई uh, करने से उनको अफेक्ट नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो आसानी से सरफेस में से वाटर uh, बॉडी के अंदर जा सके और वाटर बॉडी में से बाहर जा सके ऐसा हमारा केमिकल कवर होना चाहिए ठीक है देन द थर्ड इज इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग वेन देयर इज टर्बुलेंस और डिस्टर्बेंस इन आर वाटर बॉडी देन द केमिकल शुड बी सर्च दैट कि वो ज़्यादा uh, डिस्टर्ब ना हो एंड इट शुड बी फ्लेक्सीबल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एंड इफ इट गेट्स पंक्चर हमको पता है कि हो सकता है कि हम लोगों ने जो केमिकल कवर बनाया है वो टूट जाए बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ रीजन लाइक से रेनड्रॉप्स और इंसेक्ट्स और बर्ड ड्रॉपिंग्स तो उसके कारण अगर वो पंक्चर हो जाता है तो वो वो कवर इस टाइप का होना चाहिए कि वो आफ्टर अ वाइल इट शुड गेट कनेक्टेड बाई इट सेल्फ ठीक है इट शुड बी एबल टू रिपेयर इट सेल्फ है ना तो दीज आर ऑल द डिजाइरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ आर केमिकल कवर एंड द लास्ट वन वॉज सेटी हमको पता है कि जितना वाटर हमारा ज्यादा सलाइन होगा इट विल बी गोइंग टू कॉज द इम्प्योरिटीज इन आर वाटर फ्रेश वॉटर बिकॉज ऑफ विच देशन इज गोइंग टू डिक्रीज आई होप आपको कल का सेशन पूरा कम्प्लीट रिवाइज हो गया होगा यस तो चलिए हमारा आज का सेशन है विच इज ऑन ट्रांसपीरेशन एंडपीरेशन वो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने कहीं ना कहीं वाटर साइकिल में ट्रांसपीरेशन uh, क्या, क्या होता है वो तो पड़ा ही है so, term, yes. so, all, हमको पता है कि ट्रांसपीरेशन से अगर जो लॉस हो रहा है वो कौन से कारण से हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्लांट ग्रोथ जो प्लांट ग्रोथ के uh, लिए जो वाटर ऑब्जॉर्ब होता है और द वाटर विच इज कंज्यूम फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट Uh, it is defined as for the amount lost because of transpiration. So, give the heading transpiration. I will a standard definition. It is the process by which वॉटर लीव्स आप चाहें तो साथ में भी नोट डाउन कर सकते हैं मेरे वॉटर लीव्स बॉडी ऑफ लिविंग प्लांट एंड रिचेस एटमोस्फियर कौन से फॉर्म में एज इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर ठीक है सो so इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपेरेशन यस वेरी गुड अंकुर जी अब ये वाटर कहाँ से निकलता है हम लोगों ने साइंस में कहीं ना कहीं पढ़ा है दिस वाटर गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम लीव्स एज वेल एज द स्टोमेटा तो वाटर लीव्स द प्लांट From its leaves and stomata Can anyone tell me which instrument is used to measure the transpiration Which instrument we use to measure the transpiration? you can write it in the comment section and remember the maximum transpiration which occurs maximum transpiration occurs at डे टाइम कितना होता है इट इज नाइंटी फाइव परसेंट ओके सो इफ समवन समस्क यू इन द नहीं रवि जी लाइसी इज यूज टू मेजर इवेपो ट्रांसपीरेशन सिर्फ ट्रांसपीरेशन अगर आपको पूछते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ट्रांसपीरेशन इट इज कॉल्ड फाइटोमीटर डोंट वरी आपको कोई प्रोसीजर नहीं पूछेगा लेकिन हो सकता है कि आपको शायद एमसीक्यू में पूछ ले कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है सो यू कैन राइट इट डाउन फाइटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द ट्रांसपीरेशन एंड इट इज अ लेब मैथड इट इज अ लेबोरेटरी मैथड विच इज यूज टू मेजर द ट्रांसपीरेशन ठीक है एंड हम लोगों ने ट्रांसपीरेशन कहीं ना कहीं स्कूल में भी पढ़ा है सो तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे तो चलेगा तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इट इज इवेपो ट्रांसपीरेशन तो लेट स्टार्ट वॉट इज इवेपो ट्रांसपीरेशन अब इसमें इंस्ट्रूमेंट आएगा लाइसीमीटर, ठीक है ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफाइन करेंगे कि वॉट इज इवेपो ट्रांसपीरेशन देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमको पता है कि ट्रांसपीरेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट प्लांट इज ग्रोइंग एंड फॉर दैट प्लांट जब वो उसका ग्रोथ होता है आफ्टर दैट वेन द वॉटर रीचेज इट्स लीव एज वेल एज फ्रॉम द स्टोमेटा द वॉटर गेट्स इवेपरेटेड फ्रॉम दैट प्लांट अब उसके सिवाय भी जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है तो उसके आसपास में जो सॉइल होती है वहां से जो वाटर इवेपरेट होता है एंड दैट इवेपरेशन एंड द इवेपरेशन ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन दैट टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज

दे मेजर एवेपो ट्रांसपीरेशन ठीक है सो so, मैं आपको एक डेफिनेशन लिखाती हूँ। यू कैन नोट इट डाउन वेन ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस वेन ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस लैंड एरिया इन विच लैंड एरिया इन विच प्लांट स्टैंड ऑल्सो लूज मॉइस्चर उसके पास का जो एरिया होगा वहां से भी मॉइस्चर लॉस तो होना ही है येस yes. बाई कैसे लॉस होगा बाई इवेपरेशन ऑफ वॉटर अब आगे क्या होगा राइट डाउन सिंस इट सिंस इन प्रोसेस ऑफ वेजिटेशन ठीक है सो आपको अगर कोई इन जनरल पूछता है कि वॉट इज इवेपो ट्रांसपीरेशन तो दिस इज द जनरल डेफिनेशन विच यू कैन टेल दम है ना इट इज जनरली नॉट पॉसिबल इट इज जनरली नॉट पॉसिबल टू सेपरेट ट्रांसपीरेशन एंड वेपोरेशन इट yeah, इज uh, वो इजी नहीं है कि हम लोग सेपरेट uh, कर सके से कि एग्जैक्टली exactly कितना वाटर लॉस हुआ बाई ट्रांसपीरेशन एंड एग्जैक्टली कितना वाटर लॉस हुआ बाई इवेपोरेशन व्हेन देयर इज प्लांट सराउंडिंग दैट सॉइल ठीक है सो इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन आर कंसीडर्ड इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन आर कंसिडर्ड अंडर वन हेड और यू कैन से अंडर सेम हेड विच इज नोन एज एवेपो ट्रांसपीरेशन इवेपो ट्रांसपीरेशन क्लियर है वॉट इज इवेपो ट्रांसपीरेशन क्लियर है When transpiration takes place, land area in which plant stands also lose moisture by evaporation of water. But in the process of vegetation growth, it is not possible to separate कि कितना पानी exactly evaporation से lost हुआ and कितना पानी exactly transpiration के कारण lost हुआ. So uh, instead of calculating it separately, हम लोग क्या करेंगे simple हमको पता है कि total loss कितना हो रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं by uh, some method. अब वो हम लोग method discuss करेंगे अभी in the short term.

टेल मी इन द कमेंट सेक्शन यस मीन्स पानी तो अलग से ही जाना है ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस अलग से होगी उसमें पानी अलग से लॉस्ट होगा इवेपोरेशन जो आजू बाजू के सॉइल हो रहा है वो भी अलग होगा लेकिन हम लोग उसको इतनी इजिली मेजर नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली exactly सॉइल से कितना इवेपोरेट हुआ है और प्लांट से कितना इवेपोरेट हुआ है और यू कैन से कितना आफ्टर ट्रांसपीरेशन कितना पानी इवेपरेट हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे और वैसे भी फार्मर्स को यही चाहिए कि उनका टोटल लॉस कितना हो रहा है चाहे एक मेथड से हो चाहे दूसरी मेथड से हो तो वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग डिस्टिंग्विश करें कि करेंेशन से इतना हुआ ट्रांसपीरेशन से इतना हुआ तो फॉर देम एंड वी नो दैट कि समवेयर एंड एट समवेयर वी नो दैट की ये हम लोग कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं इवेपो ट्रांसपीरेशन की कि जो हम लोग फार्मर्स जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं तब उनके फील्ड में अगर वो एक्स अमाउंट ऑफ वाटर डाल रहे हैं तो कितना लॉस हो रहा है टू नो दैट लॉस अब वो कोई भी मेथड से चाहे हो रहा हो लेकिन उनको तो टोटल लॉस मतलब था ठीक है सो दैट्स वाई वी द टर्म इवेपो ट्रांसपीरेशन ओके सो टेल मी द लाइन विच कनेक्ट्स द पॉइंट्स ऑफ इवेपो ट्रांसपीरेशन द लाइन ज्वाइनिंग ये एमसीक्यू एग्जाम में आता है राइट द लाइन ज्वाइनिंग वेरी गुड अंकुर जी यस कंटूर इज द लाइन हैविंग ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन और यू कैन सी इक्वल आरएल पॉइंट्स ऑफ इक्वल इवेपो जो जो पॉइंट्स पर इवेपो ट्रांसपीरेशन सेम होगा उन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं आइसोप्लीथ ठीक है यहां पर अगर हम लोग कोई भी पॉइंट पर निकाले इवेपो ट्रांसपीरेशन तो हमको हर जगह उसकी वैल्यू और यू कैन से उसका मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा उस लाइन को हम लोग कहते हैं आइसोप्लीथ यस मीन्स आफ्टर ऑल फ्रॉम द लीव्स एंड स्टोमेटा वाटर जो बाहर निकल रहा है वो होने वाला है तो फिर इवेप्रेट ही होगा लेकिन उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं दिस लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल इवेपो ट्रांसपीरेशन इज कॉल्ड आइसोप okay so you can note it down isopleth yes equal rainfall is called isohyte wo hum log ne isohetal method mein discuss kiya tha right chaliye so tell me what is ab hum log ne baat ki evapotranspiration ki hum log usko exactly do tarike se classify karte hain one is actual evapotranspiration the other is

जितना वाटर कंज्यूम कर रहा है प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ एंड उसके जो सराउंडिंग सॉइल है वहां से जितना वाटर वेपरेट हो रहा है बेस्ड ऑन द एक्चुअल कंडीशन ट्रांसपीरेशन तो फिर पोटेंशियल क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम वाटर इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स फुल ग्रोथ एज वेल एज द सराउंडिंग सॉइल जो वेपरेट होने वाला है वो अगर उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है वाटर दैटो ट्रांसपीरेशन इज नोन एज पोटेंशियलो ट्रांसपीरेशन राइट अगर आप मैगडी uh, में जाते हैं और यू कैन से एनी रेस्टोरेंट वेर यू आर गोइंग टू ईट पिज्जा ठीक है uh, आपकी कैपेसिटी है आप छह पिज्जा खा सकते हैं लेकिन ऑन दैट डे यू आर एबल टू ईट ओनली टू पिज्जा बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ रीजन्स हो सकता है आपकी तबियत ठीक ना हो, हो सकता है वहां के पिज्जा आपको अच्छे ना लगे ठीक है सो बेस्ड ऑन वेरायटी ऑफ रीजन आपने दो ही पिज्जा खाए तो ये आपकी एक्चुअल कैपेसिटी एक्चुअल कैपेसिटी नहीं दिस इज योर पोटेंशियल कैपेसिटी और यू कैन से दिस इज योर एक्चुअल टोटल कैपेसिटी ये आप इतना खा सकते थे लेकिन आपने उस दिन एक्चुअल में कितना खाया आपने सिर्फ दो ही पिज्जा खाए ठीक है सो दैट इज द एक्चुअल वैल्यू विच यू आर कंज्यूमिंग एंड पोटेंशियल इज द मैक्सिमम वैल्यू कि आपकी खुद की कैपेसिटी कितनी थी खाने की ठीक है आई होप अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्चुअल ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन लिखते हैं द रियल इवेपो ट्रांसपीरेशन Real evapotranspiration occurring in a specific situation, in a specific situation where in the field. ठीक है तो एक्चुअल में जितना वाटर है वो लॉस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ एवेपो एक्चुअल में दैट इज एक्चुअल एक्चुअलेशन हो सकता है कि जिस तरह से हमको बिकॉज ऑफ सम रीजन अपू आर मैक्सिमम कैपेसिटी तो प्लांट्स है उनको भी बिकॉज ऑफ सम रीजन हो सकता है कि वाटर डेफिशियंट हो हम लोगों ने वाटर ही बराबर सप्लाई ना किया हो या फिर हो सकता है कि वो जो प्लांट हो उसके रूट्स uh, उस वाटर टेबल तक पहुंच ही ना पा रहे हो जहाँ तक हमने वाटर प्रोवाइड किया है उसको कि उसका वाटर टेबल जो लेवल है इट इज एट वेरी लो लेवल देयर कैन बी अ राइट यहाँ हो सकता है कि जो सॉइल है उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बराबर ना हो है ना? चलिए, तो डिफाइन पोटेंशियल ट्रांसफिटेशन अगर जितने भी फेवरेबल कंडीशंस uh, की रिक्वायरमेंट है वो सारे सेटिस्फाई हो जाते हैं इन दैट केस जितना पानी लॉस्ट होता है इन दिस टोटल प्रोसेस ऑफ एवेपो ट्रांसपिरे दैट इज नोन एज पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपिरे वैन सफिशियंट मॉइस्चर इज फ्रीली अवेलेबल वैन सफिशियंट मॉइस्चर इज फ्रीली अवेलेबल to completely meet the needs of vegetation fully covering the area resulting Uh, उसके कारण जो एवेपो ट्रांसफिरेशन uh, की वैल्यू आ रही है द रिजल्टिंग एवेपो ट्रांसफिरेशन इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एवेपो ट्रांसफिरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एवेपो ट्रांसफिर पोटेंशियल ट्रांसपीरेशन। देर आर वेराइटी ऑफ रीजन अगर हम लोग बात करें ना पोटेंशियल uh, ट्रांसपीरेशन की तो टेक्स्ट बुक में डिफाइंड है कि अगर पोटेंशियल वेपोरेशन नहीं हो रहा है तो सिर्फ सॉइल uh, फैक्टर्स uh, की जो कंडीशन है एंड प्लांट की कंडीशन है एंड वाटर कंडीशन है वही उसको इफेक्ट नहीं करेगी बुक में डिफाइंड है इन uh, जो मैंने आपको टेक्स्ट uh, बुक कही थी के सुब्रमण उसमें डिफाइंड है कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर द मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स जिसके कारण पोटेंशियल एवोपोरेशन कम्प्लीट नहीं कम्पलीटली नहीं हो पा रहा है ठीक है सो so, जितनी भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स है यू कैन से सीजन है ह्यूमिडिटी है एंड ऑल वेराइटी ऑफ फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट आर क्लाइमेट दैट ऑल फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्ट द अमाउंट विच इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एवेपोर ट्रांसपीरेशन वैल्यू ठीक है सो पोटेंशियल एवेपोर ट्रांसपीरेशन बुक में डिफाइंड है बाय द क्लाइमेटिक फैक्टर्स मेजरली सिर्फ क्लाइमेटिक नहीं बट टू द मेजर एक्सटेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ट्रांसपिरे ठीक है चलिए सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर सेट मी एट द्लाइड इन द मीन वाइल आप मुझे बताइए कि वॉट इज डिफरेंस बिटवीन एवेपो ट्रांसपिरेशन एंड कंसम इफ समि दे कैन टेल मी ये What is the difference between evapotranspiration and consumptive use? Just a second. सभी ट्राई कर सकते हैं वैसे हम लोग जनरली अगर आपको कोई पूछे कि वॉट इज कंजम्पटिव यूज यू कैन से नॉर्मली दैट इट इज इवेपो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपीरेशन देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इवेपो ट्रांसपीरेशन एंड कंजम्पटिव यूज ठीक है लेकिन कोई आपको उसी इंटेंशन से पूछ रहा है कि आपको डिफरेंस पता ही होना चाहिए कि कंजम्पटिव यूज क्या होता है देन यू कैन टेल यस अगर हम लोग देखने जाए तो कंजम्पटिव यूज एंड एवेपो ट्रांसपीरेशन की जो हमको एक्चुअल फिगर मिलती है जैसे कि हम लोग बात करते हैं उन्नीस बीस का डिफरेंस कहते हैं ना उतना ही डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है लेकिन दे आर डिफाइंड स्लाइटली इन अ डिफरेंट वे ओके मैं आपको डेफिनेशन ही लिखा देती हूँ तो आपको सभी को और क्लियर हो जाएगा देखिए द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन एवेपो ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन वो वॉटर तो लेना ही लेना है उससे तो वैल्यू ज्यादा ही आनी है प्लस वॉटर यूज बाई प्लांट्स इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस और बिल्डिंग अप प्लांट इश्यूज ठीक है सो दैट दैट टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज यूज फॉर इवेपो ट्रांसपीरेशन एज वेल एज द वॉटर विच इज यूज फॉर प्लांट फॉर देयर ग्रोथ और यू कैन से नॉट एग्जैक्टली द ग्रोथ बट द मेटालिक प्रोसेस विच इज देयर फॉर बिल्डिंग ऑफ द प्लांट इशूज अब हम लोग प्लांट टिश्यूज किस तरह से बिल्ड होते हैं उन सभी में नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर नॉट द बायोलॉजी स्टूडेंट्स वी आर द इंजीनियर्स बट यू कैन सिंपली से कि कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस हमको पता है कि होती है हम लोगों ने टेंथ में पढ़ा था वेल द प्लांट इज डेवलपिंग और यू कैन से ग्रोइंग तो दैट मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जो वाटर यूज होता है फॉर देयर बिल्डिंग अप ऑफ प्लांट टिश्यूज दैट अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कंजम्प्टिव यूज ठीक है ट्रांसफरेशन क्या होता है वो तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है ठीक है सो दैट टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज कंजम्पटिव यूज यस ठीक है बट uh, साथ में और एक स्टेटमेंट लिख लीजिए बट क्वान्टिटी ऑफ वाटर यूज इन हेलो टू एवरी वन बट क्वान्टिटी ऑफ वाटर यूज इन मेटाबॉलिक प्रोसेस इज इनसिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट मीन्स उसकी बहुत स्मॉल वैल्यू होती है ठीक है इन कंपेरिजन टू इसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली इन कंपैरिजन टू इवेपो ट्रांसपीरेशन सो वी अज्यूम कंजम्पटिव यूज इज नियरली इक्वल टू एवेपो ट्रांसपीरेशन क्लियर है वैसे अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कंजम्पटिव यूज इज दिस मच दिस तो आप उसको डायरेक्टली इवेपो ट्रांसपीरेशन ही ले लेना लेकिन uh, थियोरी में अगर आपको कोई पूछ रहा है वेन यू गो फॉर इंटरव्यू और समथिंग तो अगर आपको वहाँ पर अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे कि वॉट इज डिफरेंस बिटवीन कंजम्पटिव व्यूज एंड एवोपो ट्रांसपरेशन तो उसका कहीं ना कहीं यही मतलब होगा पूछने का कि जो स्लाइड डिफरेंस आ, आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है वही वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप बताएं ठीक है वरना इतना डिटेल में आपको कोई पूछेगा नहीं सो डोंट वरी एज सच चलिए क्लियर वॉट इज डिफरेंस बिटवीन कंजम्पटिव व्यूज एंड एवोपो ट्रांसफरेशन सो नाउ वी कैन प्रोसीड हाउ कैन वी मेजर एवोपो ट्रांसफरेशन Measurement of evapotranspiration. Tell me the instrument which is used to measure evapotranspiration. There are also uh, the instruments by which we can measure the evapotranspiration and obviously uh, uh, कुछ uh, equations भी होती है uh, empirical equations इसको use करके हम लोग evapotranspiration निकाल सकते हैं तो हम लोग दोनों चीजें discuss करेंगे जितना आपके exam point of view से important है उतना तो कर ही लेंगे ठीक okay? है yes very good lysimeter चलिए तो सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं लाइसी मीटर ठीक है अब ये लाइसीमीटर किसको मेजर करने के लिए यूज होता है हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की वन इज एक्चुअल सेकेंड इज पोटेंशियल तो लाइसी मीटर इज यूज टू मेजर एक्चुअल इवेपो ट्रांसपुरेशन इट इज यूज टू मेजर एक्चुअल इवेपो ट्रांसपुरेशन क्लियर है इन द राइट साइड यू कैन सी द फिगर ऑफ लाइसी देखिए मैंने यहाँ पर प्रोसीजर थोड़ी बहुत लिख कर रखी है सो हमारा ज़्यादा टाइम ना जाए सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखी है सो मैं आपको पहले रीड करके थोड़ी डेफिनेशन उसका जो प्रोसीजर है एंड हाउ वी डू इट मैं आपको समझाऊंगी बहुत डिटेल में आपको नहीं पूछेंगे लेकिन थोड़ा बहुत आपके लिए जानना जितना जरूरी है उतना मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ ठीक है तो उसमें क्या होगा हमको मेजर क्या करना है कि कितना वाटर है वो लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ सोनलीवेपो ट्रांसफिर ठीक है सो वॉट विल बी बी विल डूइंग इज सबसे पहले अ स्पेशल वाटर टाइट टैंक कंटेनिंग ब्लॉक ऑफ सॉइल एंड सेट इन अ फील्ड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ठीक है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इवेपोरेशन किन किन चीज इवेपो ट्रांसपीरेशन किन चीजों से हो रहा है प्लांट एज वेल एज द सराउंडिंग सॉइल नियर टू दैट प्लांट तो वो दोनों चीजें तो होनी ही चाहिए तो हम लोग क्या लेंगे वी विल टेक अ वाटर टाइट टैंक उसमें क्या क्या होगा ब्लॉक ऑफ सॉइल एंड उसके सॉइल uh, uh, में हम लोगों ने क्या ग्रो किया हुआ होगा प्लांट कौन सा प्लांट हम लोग वहां पर लगाएंगे ऑब्वियसली जो आजू बाजू में फील्ड में प्लांट होगा वही प्लांट वहां पर भी होना चाहिए द प्लांट्स ग्रोन इन द लाइसी मीटर आट सेम एज इन द सराउंडिंग फील्ड क्लियर है ये तो द एस्टिमेटेड इवेपोरेशन अब ये हमको मिलेगा कैसे कि कितना इवेपो हो रहा है

अगर हम लोग उसका एक सिंपल फॉर्मूला लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअल एवेपोर ट्रांसपीरेशन इज इक्वल टू डब्ल्यू एस आई प्लस डब्लू ए डी माइनस डब्ल्यू सी टू प्लस डब्ल्यू एस एफ ठीक है सो so, क्या है सारे टर्म्स ए इ टी इज द एक्चुअल ट्रांसपीरेशन नाउ वॉट इज डब्ल्यू एस आई इट इज द इनिशियल नहीं नहीं उसमें उस तरह से अरेंजमेंट ही होगी कि आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कॉन्स्टेंट मेंटेन रहे है, ठीक है इसलिए तो लिखा है कि इट इज मेंटेन इन सच अ वे उसमें जो अरेंजमेंट होती है वही उस तरह से होती है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मेंटेन रहे और ऐसा नहीं है कि ये फिक्स इसी टाइप का ट्रा, ट्रांसपीरेशन मेजर करने के लिए लाइसीमीटर हमेशा इसी टाइप का होगा उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन होते हैं लेकिन ये जस्ट मैंने आपको एक सिंपल दिखाने के लिए यहां पर इस तरह से बनाया है ठीक है क्लियर है देखो यहां पर प्लांट है प्लांट के नीचे क्या होगी हमारी ऑब्वियसली सॉइल से देखो सारे टर्म्स हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं डब्ल्यू एस आई इज द इनिशियल वेट ऑफ सेटअप वैसे इसका फॉर्मूला भी कोई नहीं पूछने वाला है आपको और ना ही कोई प्रोसीजर पूछेगा लेकिन हम लोग लाइसी मीटर डिस्कस कर रहे हैं एंड एवेपो ट्रांसपेरेशन डिस्कस कर लें इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखा देती हूँ ताकि जब आप पढ़े लाइसी मीटर तो आपको यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया है कि किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं देन डब्ल्यू ए डी इज़ द वाटर एडेड ऑब्वियसली वाटर ऐड करना ही होगा दैन वाट इज डब्ल्यू सी इट इज़ वाटर कलेक्टेड एट बॉटम कलेक्टेड एट बॉटम क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं कि जितना पानी हम लोग डालेंगे उतना का उतना सब इवेपरेट होने वाला है या ट्रांसपीरेशन के कारण लॉस होने वाला है तो कुछ ना कुछ पानी आ, हमारा है वो कलेक्ट हो जाएगा बॉटम पर और हम लोगों ने अगर आ, हम लोग डिस्कस करने जाएं तो हमको पता है कि घर में हम लोग जब भी आ, गमला इस तरह से रखते हैं जैसे इट इज़ अ तुलसी पॉट तो उस पॉट में जब भी हम लोग पानी डालते हैं यहाँ पर हम लोग बॉटम में होल्स बना कर रखते हैं ना ताकि हमारा सारा पानी है वो उसमें बीच में जाकर उसको पूरा पुल फुली सेचुरेट ना कर दे क्योंकि हमको पता है कि वो सॉइल कितना पानी रखेगा जितना उसके रिक्वायरमेंट है एज वेल एज जितना ये हमारे प्लांट है उसके रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं ना तो यहाँ पर क्या होते हैं होल्स होते हैं है ना राइट right? बट हमारा जो हम लोग फील्ड में जहाँ पर नेचुरली प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं फार्मर्स वहाँ पर तो ऐसा जरूरी है नहीं कि जितना पानी एक्सेस होगा वो अपने आप से निकल ही जाने वाला है बट एट द होम वी नो दैट कि अगर यहाँ पर पानी स्टॉप हो जाएगा तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पानी आने के कारण भी बिकॉज ऑफ दैट कि ये प्लांट है उसकी उसके कारण भी डेथ हो सकती है तो जितना एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी उसमें रहे उसके कारण नीचे होल्स बनाए जाते हैं फर्स्ट ओ सेकेंड कौन सी ये थर्टी फाइव सेंटीमीटर है वो ये तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल रखा है बहुत सारी जगह पर बहुत सारे अलग अलग वे में मीटर बनाया जाता है ठीक है हो सकता है हम लोग जो नॉर्मली देखे वो आपको यही वाला मिले थर्टी फाइव सेंटीमीटर बुक में भी शायद यही बनाया होगा लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यही बनाया जाएगा हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था लेट्स हम लोग आई एस आई पान डिस्कस करते हैं तो अगर हम लोग कोई एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड का पान डिस्कस करेंगे तो उसका डायमीटर फिक्स होगा वो चेंज नहीं हो सकता है लेकिन यहाँ पर जस्ट मैं इन जनरल आपको बता रही हूँ कि अगर लाइसी मीटर है तो उसका किस टाइप से अरेंजमेंट होता है राइट एंड वॉट इज डब्ल्यू एस एफ इट इज फाइनल वेट ऑफ सेटअप ठीक है तो लेट से हम लोगों ने जो इनिशियल वेट ऑफ सेटअप हम लोगों ने लिया था लेट से फिफ्टी के जी देन वाटर हम लोगों ने ऐड किया फाइव के जी देन वाटर कलेक्टेड एट बॉटम वॉज वन के जी एंड फाइनल वेट ऑफ सेटअप वॉज लेट्स एफ्टी टू तो ये कितना हो जाएगा फिफ्टी प्लस फाइव फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टी थ्री विच इज टू के जी ऑफ वाटर ठीक है अब उसको वो लोग बाई अज्यूमिंग सूटेबल यूनिट्स वो उसको कन्वर्ट करके आपको बता देंगे कि एग्जैक्टली exactly इतना एपो ट्रांसपीरेशन हो रहा है लेकिन इट इज़ बियॉन्ड आर सिलेबस तो हम लोग वो डिस्कशन नहीं करेंगे अभी राइट चलिए तो लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंट सेकेंड इक्वेशन विच इज पेन इक्वेशन वैसे उससे भी न्यूमेरिकल नहीं आया है अभी तक कोई एज सच इक्वेशन इक्वेशन भी थोड़ी टफ है इक्वेशन तो चलो ठीक है आपको याद रह जाएगी लेकिन इसके जो सारे पैरामीटर्स है वो सारे बहुत टफ है राइट डाउन द इक्वेशन सबसे पहले यहां से क्वेश्चन जो आता है ना पेनमेंस इक्वेशन से वो लिख लेते हैं इससे क्वेश्चन बनता है कि पेनमेंस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन विच टू मैथड्स तो इट इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी बैलेंस मेथड एंड मास ट्रांसफर मेथड एनर्जी बैलेंस मेथड यहां से एमसीक्यू आ सकता है तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं शायद आ भी चुका है एक बार कोई एग्जाम में आया है मास ट्रांसफर मेथड तो हमको पता है कि ये एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर मेथड आर वेरी रिलायबल एज कंपेयर टू द डिफरेंट मेथड्स तो अगर हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे इवेपो देन वी विल बी गेटिंग यू कैन से मोर रिलायबल मोर एक्ट रि राइट तो राइटेशन पोटेंशियलो ट्रांसपीरेशन पोटेंशियलेशन इज इक्वल टू ए एच एन प्लस ई ए गा अपॉन ए प्लस गामा ठीक है तो पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन हमको यहां से मिलेगा एमएम पर डे में अब ए क्या है एच क्या है ई e क्या है गामा क्या है वो सारा हम लोग लिख लेते हैं ए इज इज नॉट एनी एरिया वो क्या है पता है आपको इट इज द स्लोप ऑफ सेचुरेशन वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कॉ एट मीन एयर टेम्परेचर एट मीन एयर टेम्परेचर इन बी वैल्यू किसमें आएगी ऑब्वियसली एस वी भी होता है इन एम एम ऑफ मर्क्यम्परेचर होता है इन डिग्री सेल्सियस सो इट विल बी इन एम एम ऑफ एच जी और डिग्री सेल्सियस ये वाला ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था याद है आपको जब मैंने आपको कहा था कि कब प्रेसिपिटेशन होता है इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था एचुरेशन वेपर प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर राइट तो इस ग्राफ का हम लोग आ, स्लोप निकालते हैं। हैंचर जो होगा उस सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का उस मीन एयर टेम्परेचर पर हम लोग इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे और उसे जो वैल्यू मिलेगी वो हम लोग लेंगे एस ए क्लियर है नेक्स्ट इज एच एन वॉट इज एच एन इट इज द नेट रेडिएशन क्योंकि ये जो दो मैथड्स है एनर्जी बैलेंस मेथड एंड मास ट्रांसफर मेथड दे आर नॉट वेरी सिंपल मेथड कि आप डायरेक्टली वो भी अप्लाई करके यूज कर सके हम लोग ने ये दोनों मैथड्स भी कल uh, मैंने आपको डिस्कस uh, करके थोड़ा बहुत बताया था बट दे आर अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड एंड यू कैन से इट इज समार्ट ऑफ एडवांस हाइड्रोलॉजी राइट इट इज इन एम एम ऑफ इवेपोरेबल वाटर पर डे इवेपोरेबल वॉटर पर डे बट दिस ऑल थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सो डोंट वरी जस्ट मैं आपको लिखा देती हूँ सारे टर्म्स एक बार देन वॉट इज गामा इट इज साइक्रोमेट्रिक कॉन्स्टेंट साइक्रोमेट्रिक कॉन्सटेंट उसकी वैली होती है पॉइंट फोर नाइन एम एम ऑफ मर्करी पर डिग्री सेल्सियस गामा आ गया एच आ गया ए आ गया अब ई e बचा है ई इज द पैरामीटर इंक्लूडिंग हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ई इज इक्वल टू द पैरामीटर इंक्लूडिंग विंड वेलोसिटी एंड सैचुरेशन डेफिसिट नहीं कमल जी इतनी टफ चीजें आपको नहीं पूछेंगे ऑब्वियसली जो स्टेट की एग्जाम होती है उसमें तो नहीं आएगी so, रवि जी आप क्या पूछ रहे हैं ए गामा होगा बेस में ये देर इज एंड देर इज गामा इन द बेस दे बोथ आर इन द बेज ओके सो लेट्स राइट द सेकंड मेथड विच इज ब्लानी क्रीडल मैथड ये शायद आप लोगों ने इरिगेशन में शायद पढ़ी होगी ब्लानी क्रीडल मेथड उसकी भी एक सिंपल एम्पेरिकल इक्वेशन है हम लोग डायरेक्टली वो इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज दैट इक्वेशन

टू पॉइंट फाइव फोर के सिग्मा पी एच टी एफ अपॉन हंड्रेड अच्छा फॉर्मूला पड़ा है ओके सो वॉट इज ऑल दो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी इन सेंटीमीटर्स ब्लैनिक रीडल पर ओके आई विल ट्राई ब्लैनिक रीडल पर मैं आपको ऐसा होगा तो कल स्पेशल क्लास में करा दूंगी अच्छा मीन्स बहुत मल्टीप्लाई होते हैं okay i will uh, confirm and let you know okay i'll verify and let you know yes

आई विल फाइंड एंड आई विल सी एंड लेट यू नो ठीक है चलिए सो आप uh, वहां तक ये सारी वैल्यूज लिख लीजिए के इज क्रॉप फैक्टर पी एच इज इक्वल टू मंथली परसेंटेज एरिडिटी इंडेक्स हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे जस्ट वेट फॉर टेन टू ट्वेल्व मिनट्स उसके बाद हम लोग उसी टॉपिक पर आएंगे राजकुमार जी Uh, PH is the monthly percentage, monthly percentage of annual daytime hours, and TF is mean monthly temperature, mean monthly temperature. इन डिग्री फेरानाइट ठीक है सो so, इस यूनिट पर आप ध्यान देना इट डिग्री फेरानाइट एंड पी एच इज इन परसेंटेज राइट एंड टी एफ इज इन डिग्री फेरानाइट के इज द क्रॉप फैक्टर ओके सो ऑल टर्म्स वी हैव रिटन देखो के है क्रॉप फैक्टर है तो वो तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा अब वॉट इज मीन मंथली टेम्परेचर इन डिग्री फेरानाइट देखो तो अगर हम लोग बात करें इस तरह से आपको शायद गिवन हो जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल तो उन सभी मंथ में एंड सो ऑन उन सभी मंथ का कुछ टेम्परेचर uh, होगा मी मंथली टेम्परेचर मीन उसका हम लोग क्या निकालेंगे मीन मंथली टेम्परेचर ये हमको किस में रखना है इन डिग्री फेरानाइट ठीक है सो ये सारी वैल्यूज किस में होंगी डिग्री फेरानाइट में से जनवरी में आपकी वैल्यू है टेन देन यहाँ पर ट्वेल्व देन यहाँ पर फोर्टीन यहां yeah, पर 16 इस तरह से ठीक है इस तरह से आपकी मीन मंथली टेम्परेचर आ रही है अब द सेकंड थिंग इज मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे टाइम एनुअल डे टाइम आवर्स मतलब एनुअल डे टाइम हम लोग uh, किसकी बात कर रहे हैं कि कितने टाइम के लिए सनशाइन होती है हमारी और यू कैन से कितने टाइम के, uh, के लिए सूरज होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि इन द जनवरी मंथ इट इज फॉर लेट्स से फॉर टोटल जनवरी मंथ ठीक है सो लेट्स से यहाँ पर फिफ्टी आवर्स फिफ्टी नहीं लेट्स से ले लेते हैं हंड्रेड आवर्स के लिए था फिर यहाँ पर वन ट्वेंटी आर्स के लिए था टोटल मंथ की बात कर रहे हैं ठीक है उतने टाइम के लिए हमारा दिन था फिर यहाँ पर वन फोर्टी यहाँ पर वन सिक्सटी उस तरह से हम लोग uh, सभी आर्ट्स को निकाल लेंगे एंड उन सभी आर्ट्स को लिखते हुए हम लोग यहाँ पर टोटल लिखेंगे ठीक है फिर हम लोग पीएच कैसे निकालेंगे मंथली परसेंटेज तो इसको हम लोग यहाँ पर परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे अब यहाँ पर लेट से हमारा टोटल आ रहा है फिफ्टीन हंड्रेड आर्ट्स ठीक है तो फिर यहां पर कितना हो जाएगा हंड्रेड अपॉन फिफ्टीन हंड्रेड तो यहां से कुछ हमारा परसेंटेज में निकल कर आएगा इन टू हंड्रेड हंड्रेड अपॉन फिफ्टीन तो यहां पर आ रहा है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंटेज उस तरह से हमारी पीएच की सारी वैल्यूज आएंगी राइट right? यहाँ पर जनवरी के लिए फेब्रुवरी के लिए मार्च के लिए अप्रैल के लिए एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग वी हैव हैव टू डू इज वी हैल्टीप्लाई पी एच एंड टी एफ ये हमारा है टी एफ दिस इज टी एच इन परसेंटेज हमको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी तो पी एच एंड टी एफ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए और एक टेबल बनाएंगे ठीक है एंड फिर उसका टोटल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सम एंड फिर यहाँ से हमारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी पी एच की टी एफ की अपॉन हंड्रेड एंड उसका सम एंड वी हैव टू मल्टीप्लाइड विद क्रॉप फैक्टर एंड टू पॉइंट फाइव फोर सो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा इन सेंटीमीटर इफ पॉसिबल मैं आपको कल एक सम करा दूंगी तो आपको और क्लियर हो जाए लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंटरसेप्शन मी वॉट इज इंटरसेप्शन चलिए हम लोगों ने जब वाटर साइकिल डिस्कस किया था तब हम लोगों ने इंटरसेप्शन की थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी कि हमको पता है कि जब रेनफॉल होगा तो देर आर वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ओवर द अर्थ सरफेस एज वेल एज द वेजिटेशन ग्रोथ तो, तो क्या होगा कि लेट से हमारे ऊपर कोई पानी डाल रहा है तो हमको पता है कि लेट से आपके ऊपर कोई टेन एम ऑफ़ वाटर डाल रहा है तो वो टेन एम एल वाटर आपके सरफेस पर कवर हो जाएगा लेकिन अगर आपके ऊपर कोई फाइव लीटर्स ऑफ वाटर डाल रहा है तो दैट वाटर इज फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू वेट यू योर होल सरफेस आफ्टर दैट दैट वाटर इज गोइंग टू गेट ऑन द फ्लोर उसके बाद वो क्या होगा फ्लोर पे गिरेगा ठीक है लेट्स से दिस इज यू ठीक है सो so, वो वाटर सबसे पहले आपको इट इज गोइंग टू वेट यू एंड आफ्टर वेटिंग यू दिस एक्स्ट्रा वाटर इज गोइंग टू गेट ओवर द फ्लोर सो वो वाटर जो आपके ऊपर रह जाता है एंड विच इज नॉट गोइंग ओवर द फ्लोर ट वॉटर लॉस्ट इज नोन एज इंटरसेप्शन ओके सो उसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वही लिख लेते हैं ये वेरी गुड राजकुमार जी वेन रेनफॉल्स इट इज फर्स्ट इंटरसेप्टेड बाई इट इज फर्स्ट इंटरसेप्टेड बाई प्लांट्स ट्रीज बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वेन दे बिकम कंप्लीटली वेट अब वहां पर वॉटर इंटरसेप्ट होने के बाद वेन दे बिकम कंप्लीटली वेट the water comes down to earth's surface okay what will your this Yes, your structure Yes, very good to earth थैंक यू कमल जी थैंक्स फॉर यीसिएशन तो हम लोगों ने वहाँ पर फिगर बनाई थी जैसे ये आपके घर का रूफ है तो वहाँ पर कुछ वाटर स्टोर हो जाएगा फिर उसके बाद जो एक्सेस वाटर होगा इट इज़ गोइंग टू वेट दिस बिल्डिंग एंड आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू फ्लो अब हम लोग इंटरसेप्शन को आगे और तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे अब ये जो वाटर इस सरफेस पर रह गया है वो क्या हो जाएगा इस सरफेस का वाटर है वो ट हो जाएगा एंड जो एक्सेस वाटर है वो यहाँ पर नीचे रनऑफ को कंट्रीब्यूट कर जाएगा या फिर इनफिल्टरेट हो जाएगा इट कैन गो टू अ वेराइटी ऑफ पार्थ ठीक है तो so, ये वाला वाटर जो इंटरसेप्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर्स प्लांट्स एंड अदर मोन्यूमेंट्स विच आर ओवर द सर्फेस ऑफ अर्थ दैट इज दैट वाटर लॉस इज नोन एज इंटरसेप्शन So, tell me what are the components of interception? Anyone knows? So, interception is further classified into three components. The first one is interception loss. इंटरसेप्शन को इंटरसेप्शन लॉस में तो क्लासीफाई कर दिया लेकिन और दो कैटेगरीज में भी क्लासीफाई किया जाता है विच इज स्टेम फॉल और यू कैन से स्टेम स्टेम फ्लो फ्लो सॉरी एंड थ्रू फॉल व्हाट इज इंटरसेप्शन लॉस व्हाट इज स्टेम फ्लो व्हाट इज थ्रू फॉल लेट्स डिस्कस दिस थ्री सिंपल टॉपिक्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरसेप्शन लॉस की नहीं, देखो इंटरसेप्शन लॉस कौन सा होगा जो इस बिल्डिंग के ऊपर अच्छा मैंने बिल्डिंग हटा दी जो बिल्डिंग है इफ दिस इज माई बिल्डिंग उसके ऊपर जितना भी वाटर उसको कवर कर रहा है ओवर इट्स सरफेस अब वो वाटर क्या करेगा वो वहां का वहां पर पूरा दिन के थोड़ी रहेगा आपकी बिल्डिंग पर जो वाटर आ रहा है उसके कारण आपकी जो बिल्डिंग की सरफेस है वो इट इज गोइंग टू गेट वेट बट आफ्टर सम टाइम दैट वाटर इज गोइंग टू वेपोरेट वो वाटर जो वेपोरेट हो जाता है दैट इज इंटरसेप्शन लॉस अब uh, दूसरे फिर दो लॉसेज कौन से होंगे स्टेम फ्लो एंड थ्रू फॉल दे आर डिफाइंड फॉर प्लांट्स प्लांट्स में हम लोगों ने देखा है वॉट इज स्टेम फ्लो जो उसके ब्रांचेस uh, होते हैं ट्विग्स होते हैं उसकी डालियां होती है ठीक है इन हिंदी तो उसमें से जो वाटर फ्लो होते 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 नीचे आएगा एट द ग्राउंड दैट वाटर इज नोन एज स्टेम फ्लो एंड वॉट इज थ्रू फॉल जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं एक, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर दूसरे पत्ते से तीसरे पत्ते पर जो वाटर फ्लो होगा एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू रीच द ग्राउंड एंड मीट द वॉटर फ्लो एट द ग्राउंड अदरवाइज इट इज गोइंग टू वेपरेट दैट वॉटर लॉस्ट इज नोन एज थ्रू फॉल ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंटरसेप्शन लॉस water which is retained on the surface water which is retained on the surface and which and which is later evaporated away ठीक है अब ये सारी डेफिनेशन मैंने नहीं बनाई है ये टेक्स्ट बुक्स हैं सो आप ये डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं विच आर द स्टैंडर्ड डेफिनेशन अब सेकेंड इज सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं थ्रू फॉल थ्रू फॉल वॉट इज थ्रू फॉल वाटर विच ड्रिप्स थ्रू water which drips through and then comes down comes down from leaves etc onto ground surface that is known as throughfall Uh, कमल जी देखो ये जरूरी नहीं है कि ये वाटर uh, रन ऑफ में ही जाएगा हो सकता है कि ये हमारा जो प्लांट है विच इज़ ओवर दिस ग्राउंड हो सकता है कि वो वाटर यहाँ पर रीच होने के बाद रन ऑफ में तो जाए लेकिन हो सकता है कि वो वाटर यहाँ पर इनफिल्ट्रेट कर जाए इनफिल्ट्रेट करने के बाद वो ग्राउंड वाटर टेबल तक भी पहुँच सकता है हो सकता है वो इनफिल्ट्रेट होने के बाद ग्राउंड वाटर टेबल तक ना पहुँचे बट ये बिलो दिस ग्राउंड लेवल वो यहीं से मूव होते 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 जो आपकी स्ट्रीम है उसको कंट्रीब्यूट कर दे या फिर हो सकता है यहाँ पर बीच में एक डिप्रेशन स्टोरेज है वो वहां पर जाके उस डिप्रेशन स्टोरेज को फिल कर दे फिर उसके बाद वो कहीं पर भी जा सकता है लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोइंग टू ड्रॉप ओवर दैट प्लांट ठीक है थर्ड इज जस्ट सेकेंड हेलो हाँ मासी मारो आ, हाँ सॉरी द थर्ड इज स्टेम फ्लो तो स्टेम फ्लो की भी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं वाटर विच ट्रिकल्स वाटर विच ट्रिकल्स Along twigs, tehenia, hey twigs ko tehenia hai na. Along which, along with, along water which trickles along twigs and branches. After that, it finally. गोज डाउन द मेन ट्रंक फिर उसकी जो सबसे बड़ी वाली डाली होगी उस पर जाएगा बुक में बहुत डिटेल में डिफाइन करते हैं लोग ऑन टू ग्राउंड सरफेस द मेन ट्रंक एंड फाइनली ऑन टू द ग्राउंड सरफेस क्लियर है दिज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपे सॉरी रिटेन होने के बाद डायरेक्टली वेपरेट हो जाएगा सिंपल है वो चलिए नेक्स्ट इज डिप्रेशन स्टोरेज छोटा सा छोटा सा टॉपिक है उसको भी लिख लेते हैं वॉट इज डिप्रेशन स्टोरेज डिप्रेशन स्टोरेज इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं राइट right? छोटे छोटे खड्डे ऐसे जरूरी तो है नहीं कि हमारे जितना भी वाटर है वो डायरेक्टली ऑफ को कंट्रीब्यूट कर जाए हमको पता है कि लैंड सरफेस है वहाँ पर इस तरह से देर कैन बी होल्स बिगर वन होल्स ठीक है छोटे छोटे नहीं बहुत और फिर ये वाटर ओ, यहाँ पर जो फिल कर जाएगा ये जब यहाँ पर मूव करा होगा तो इसको जंप करके तो इस साइड जाएगा नहीं कि डायरेक्टली मैं कूद के यहाँ पर जाऊँ ये पहले इस खडे को फिल करेगा उसके बाद जो एक्सेस वाटर होगा वो इसके ऊपर से जाएगा फिर वापस यहाँ से वाटर मूव होते होते इस खड्डे को फिल करेगा उसके बाद ये पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद जो ऑफ है वो आगे जाएगा है यस तो राइट डाउन द डेफिनेशन when precipitation reaches to yes small depressions when precipitation reaches to the ground the ground paper then first of all firstly it is it must fill all the depression all the depression and after filling the depression it can contribute to the runoff okay? so before it can flow over the surface it has to fill all the depressions over the surface after that it is going to contribute to the ground water uh, sorry surface flow so the volume of water trapped in this trapped in this depression do not contribute to runoff देयर आर सो दिज लॉसेस आर कॉल्ड डिप्रेशन स्टोरेज क्लियर है इट इज क्लियर ठीक है तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है छोटे छोटे अब टॉपिक्स हैं दो तीन वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं समवन वाज़ आस्किंग एरिडिटी इंडेक्स ऑन ऑल आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो टॉपिक्स छोटे से जो आ सकते हैं डायरेक्टली तो हमारा ज्यादा टाइम ना जाए है ना चलिए वैसे हम लोग ये प्रेसिपिटेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं राइट आज मैंने एक क्वेश्चन इसके ऊपर एक सुबह कराया था है ना स्पेशल क्लास में जो तो लोग आए थे उनको पता होगा इंडेक्स ऑफ फिटनेस वाज गिवन 70% एंड द क्वेश्चन एंड द फोर ऑप्शंस वर द रेन डेफिशिएंसी विल बी 30% रेन एक्सेस विल बी 30% रेन डेफिशिएंसी विल बी 70% एंड काइंड ऑफ ऑप्शंस वर दैट यस हाँ, उस तरह से भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं So, हम लोग अब डिफाइन करते हैं व्हाट इज इंडेक्स ऑफ वेटनेस व्हाई इट इज डिफाइंड कि हम लोगों को पता चले कि हमारा जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है उसके कंपैरिजन में इस साल कितनी बारिश हुई है सो so, अगर हमारा एवरेज एनुअल रेनफॉल विच इज द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट थर्टी फाइव ईयर्स फास्ट थर्टी फाइव ईयर्स का जो एवरेज आता है उस वैल्यू को हम लोग डिफाइन करते हैं एज एवरेज एनुअल रेनफॉल ठीक है बट इफ आई नो के एक्चुअल रेनफॉल इन अ गिवन ईयर एट अ गिवन प्लेस लेट से हमको पता चला कि हमारा एवरेज एनुअल रेनफॉल कुछ भी ले लेते हैं लेट से टू हंड्रेड सेंटीमीटर है लेकिन इस साल सिर्फ बारिश हुई हंड्रेड सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल ठीक है तो हमको पता चलता है यहाँ से इंडेक्स ऑफ वेटनेस इज फिफ्टी परसेंट राइट सो देर वॉज जस्ट द फिफ्टी परसेंट ऑफ द एनुअल रेनफॉल विच इज विच शुड अकर राइट

ऐसा हो रहा है। है। चलिए, so ये शायद शायद एक के MCQ में आपको सिंपली पूछ सकते हैं। ड्रॉट हम लोगों को drought हम लोगों ने पढ़ा है uh, in the disaster management and उसमें कि drought के कारण किस टाइप से डिजास्टर हो सकता है राइट सो ड्रॉट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टाइप ऑफ डिजास्टर वॉट इज ड्रॉट हम सभी को पता है कि वेन देर इज वेरी मच स्केरसिटी ऑफ वाटर एट अ प्लेस दैट इज सिंपली डिफाइंड एज ड्रॉट और यू कैन से क्लाइमेट एनोमली कैरेक्टराइज बाई डेफिसिट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर टू बी वेरी इन अ स्टैंडर्ड मैनर इफ यू वॉन्ट टू डिफाइन इट इज इन दिस वे इन इंडिया दिस इज अ फैक्ट दैट इन इंडिया अबाउट थर्टी थ्री परसेंट एरिया इज ड्रॉट प्रोन अकॉर्डिंग टू द सर्वे एंड ड्रॉट को तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है फर्स्ट इज मिट्योरोलॉजिकल ड्रॉट सेकेंड इज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एंड द थर्ड वन इज एग्रीकल्चरल ड्रॉट तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत सिंपल है ठीक है सो डोंट गेट कन्फ्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज मिट्योरोलॉजिकल ड्रॉट वेन देअर इज मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट डिक्रीज मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन फ्रॉम नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया हम लोगों ने अभी डिफाइन किया कि देर इज देर कैन बी रेन डेफिशियसी तो उस रेन डेफिशियं की डेफिशियंसी की वैल्यू हमारे यहाँ पर अभी कितनी आ रही थी फिफ्टी परसेंट इंडेक्स ऑफ वेटनेस था फिफ्टी परसेंट ठीक है सो so, अगर वो वैल्यू ग्रेटर दैन ट्वेंटी फाइव है येस इट इज ग्रेटर दैन ट्वेंटी फाइव देन वी कैन से देट देर इज मिट्योरोलॉजिकल ड्रॉट एज डिफाइंड बाई इंडियन मिट्योरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ठीक है सो देट इज मिट्योरोलॉजिकल ड्रॉट तो फिर हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या है हैजिकल ड्रॉट इज प्रोलॉन्ग्ड रिजल्टिंग इन ड्रास्टिक डिप्लीशन ऑफ सरफेस एरिया एंड ग्राउंड वाटर अगर वो एक साल के लिए हो रहा है देन इट इज कॉल्ड मिट्योरोजिकल ड्रॉट बट इफ इट इज प्रोलॉन्ग फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स टू ईयर थ्री इयर्स फाइव इन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड बहुत खराब सिचुएशन हो जाएगी है ना तब फार्मर्स के लिए दैट ड्रॉट इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एंड द थर्ड वन इज एग्रीकल्चरल ड्रॉट सो वॉट इज एग्रीकल्चरल ड्रॉट वेन सॉइल मॉइस्चर एंड रेनफॉल आर इनसफिशियंट एग्रीकल्चरल ड्रॉट किसके लिए डिफाइन होगा ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के लिए कि हमको क्रॉप्स हमारे जो क्रॉप्स हैं द क्रॉप्स विच वी आर प्लांटिंग उसकी एक कुछ स्पेसिफिक नीड होती है फॉर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ दैट क्रॉप ठीक है सो वेन सॉइल मॉइस्चर एंड रेनफॉल आर इनसफिशियंट फॉर द ग्रोप फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एग्रीकल्चरल ड्रॉट ठीक है एंड हो सकता है कि ये टेबल्स आपके को कोई वैल्यू पूछ के पूछ ले कि क्लासीफाई विथ्स ड्रॉट हैज अकर्ड सो एज पर आई एम डी इफ देर इज डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट मीन्स अगर वैल्यू है लेस देन ट्वेंटी फाइव देन इट इज क्लासीफाइड एज नो ड्रॉट इफेक्ट हमने देखा अभी कि अगर ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा है इन दैट केस हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ ड्रॉट है विच इज मिटियरलॉजिकल ड्रॉट दैट इज गोइंग टू अकर प्रेसिपिटेशन इज लेस देन ट्वेंटी वैल्यू इज ट्वेंटी थर्ड इज इफ द डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन इज ग्रेटर इट इज वेरी सिवियर और यू कैन से बहुत खराब हालत हो जाएगी है ना तब सो इन केस इट इज कॉल्ड एजियर रॉट क्लियर है चलिए नेक्स्ट थिंग इज एडिटी इंडेक्स एरिडिटी इंडेक्स शायद इरीगेशन में भी आता है इट इज सिंपली द कंपेरिजन ऑफ पोटेंशियल एज वेल एज एक्चुअल एव एपो ट्रांसपीरेशन

Let's say it is uh, 60 and potential is let's say uh, 120. so kya ho jayega 120 minus 60 upon 120 into 100 So 60 upon 120 will be two. So it will be 50 percent. ठीक है. So tell me जितना aridity index ज्यादा होगा वो अच्छा होगा कि जितना aridity index कम होगा वो अच्छा होगा. Arid means dry. The region is very dry. एरिडिटी को वॉट यू से इन हिंदी इंग्लिश में हम लोग क्या, क्या कहेंगे उसको ड्राइनेस जितनी एरिडिटी इंडेक्स हमारी कम आएगी इट विल बी बेटर मीन्स हम लोग कह सकते हैं जितना एक्चुअल वेबो ट्रांसपेरेशन जितना ज्यादा होगा हमारा ंग टू मेक द डिफरेंस है ना क्योंकि पोटेंशियल ए ट्रांसफिर एक रीजन के लिए फिक्स हो जाएगा सो इफ इट इज वेरी मच मोर देन इट इज गोइंग टू हैव सीवियर सीवियर को कब क्लासीफाई किया लोगों ने वैन इट इज ग्रेटर दैन फिफ्टी देन इफ इट इज बिटवीन ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्टी इट इज मॉडरेट एंड इफ इट इज बिटवीन वन टू ट्वेंटी फाइव इट इज माइल्ड ठीक है सो अगर हमारा एक्चुअल ए ट्रांसफीरेशन जीरो है तो क्या हो जाएगा पी ई टी अपॉन पी टी हंड्रेड इट विल बी हेरिटेज इंडेक्स विल बी यहां पर लेट से कुछ भी वैल्यू हो एक्स तो एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स तो हमारा आंसर टोटल कितना आ जाएगा हंड्रेड परसेंट ठीक है सो द मोर इज द वैल्यू ऑफ हेरिडिटी इंडेक्स द मोर विल बी द ड्राइनेस इन दैट रीजन

लेट्स क्विकली समराइज वॉट वी हैव डन टू डे ओके सो वी हैव स्टडीड टू डे ट्रांसपीरेशन एंड इज द टू काइंड ऑफ लॉसेज विच आर अकरिंग बिकॉज ऑफ आफ्टर प्रेसिपिटेशन अकर बारिश होने के बाद जो हमको रनऑफ मिलता है वो रनऑफ एग्जैक्टली प्रेसिपिटेशन की इक्वल नहीं होता है देर आर सर्टेन काइंड ऑफ लॉसेज एंड आउट ऑफ विच टू आर ट्रांसपीरेशन और यू कैन सी इवेपो ट्रांसपिरेशन इज नॉट एक्जैक्टली द डिफरेंट थिंग इट इज द कंबिनेशन ऑफ इवेपोरेशन एज वेल एज ट्रांसपिरे Yes. Yes, okay Okay. Yes. Tomorrow there will be special class. Okay, so transpiration is the process by which water leaves body of uh, living plant and reaches atmosphere as water vapor. Simple definition. And the instrument which is used to measure transpiration is phytometer. Then what is evapotranspiration? When transpiration takes place, land area in plants stand ऑल्सो लूज मॉइस्चर बाईपरेशन ऑफ वॉटर मीन्स जो प्लांट ग्रोथ हो रहा है उसके आसपास की जो मिट्टी है उसमें से भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है वो एवेपोरेट होने वाला है तो हम लोग उन दोनों को कम्बाइन कंसिडर uh, करते हैं ट्रांसपीरेशन एज वेल एजेपरेशन फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल एंड दैट टोटल अमाउंट ऑफ लॉस इज नोन एज एवेपो ट्रांसपीरेशन फिर हमने उसको दो तरीके से क्लासीफाई किया एंड बिफोर दैट वी हे स्टडीड आइसोप्लीथ क्या होगा आइसोप्लीथ पॉइंट ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल इवेपो ट्रांसपीरेशन इज यस एस के एस यू कैन आस्क मी देन एक्चुअल एवेपो ट्रांसपीरेशन एंड पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपीरेशन हम जो आपकी प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी है और उसको जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है उतना अगर उसको हम लोग मॉइस्चर प्रोवाइड कर देते हैं इन दैट केस जो इवेपो ट्रांसपिरेशन मिलेगा इट इज पोटेंशियल वन एंड जो हमारी एक्चुअल फील्ड कंडीशन अभी है उस फील्ड कंडीशन में जितना एवेपो ट्रांसपीरेशन हो रहा है इट इज नोन एज एक्चुअल वन देन वी हैव स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एवेपोट्रांसपीरेशन एंड कंजम्पटिव यूज और यू कैन से सिंपलीव इज नॉट मच देर इज नॉट मच डिफरेंस बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है वॉट इज इट अगर हम लोग कंजम्पटिव यूज में एड कर देते हैं मीन्स कंजम्पटिव यूज में क्या होगा एवेपो ट्रांसपीरेशन तो कंसिडर होगा ही लेकिन अपार्ट फ्रॉम वेपो ट्रांसफीरेशन देर इज ऑल्सो द रिक्वायरमेंट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस फॉर बिल्डिंग अप ऑफ प्लांट इश्यूज सो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड दैट इज नोन एज कंजम्पटिव यूज सो कंजम्पटिव यूज में हम लोग वेपो ट्रांसफीरेशन भी लेंगे एंड मेटाबोलिक प्रोसेस के कारण जो वाटर यूज हो रहा है वो भी लेंगे ठीक है बट इन जनरल वी कैन कंसिडर इट बोथ एज इक्वल आप मुझे आ, ऐसा हो तो फोटो भेजना कल स्पेशल क्लास में आई विल चेक इट एंड देन आई विल टेल यू क्योंकि वो फोटो थी वो आधी कट के आई थी तो मुझे पूरी फोटो नहीं दिखी थी ओके एस के एस देन वी हैव स्टडीड द मेथड बाय विच वी कैन मेजर द वे फॉर ट्रांसपीरेशन फर्स्ट वन वाज द लेसी मीटर और यू कैन से लाइसी मीटर देन पेनमैन इक्वेशन एज वेल एज ग्लानिक रिडल इक्वेशन

तो इंटरसेप्शन लॉस में स्टेम फॉल एंड स्टेम फ्लो एंड थ्रू फॉल है वो कंसिडर नहीं होता है देन द नेक्स्ट इज डिप्रेशन स्टोरेज जो हमारे uh, छोटे छोटे पॉटहोल्स है डिप्रेशन है उसमें जो वाटर फिलअप हो जाएगा आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द सरफेस ठीक है सो दैट स्टोरेज इज नोन एज डिप्रेशन स्टोरेज एंड अमाउंट लॉस्ट देयर इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू रन ऑफ एंड देन वी हैव स्टडीड द थ्री बेसिक टर्म्स विच इज इंडेक्स ऑफ वेटनेस दैन ड्रॉट एंड वी हैव क्लासिफाइड इट इन थ्री टाइप्स एंड द लास्ट वन वॉज एरिडिट इंडेक्स दैट्स ऑल अबाउट टूडेज से माई प्रोफाइल ऑन अनएकैडेमी आप चाहें तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं दिस इज टूडेज सेशन विच वॉज वीकली मोक टेस्ट ऑन हाइड्रोलॉजी जो हम लोगों ने आज सुबह कंडक्ट की थी तो आप लोग चाहें तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली पी डाउनलोड करके भी उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन आई वुड सजेस्ट के एनोटेशन के साथ डाउनलोड करना तो आपको वहाँ से एक्जैक्टली जो सॉल्यूशन है वो भी मिल जाएगा यस थैंक यू एस येस एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग योर सब्सक्रिप्शन यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म एंड आस्क योर क्वेरीज आफ्टर फिलिंग दिस फॉर्म कल हम लोग इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन इवेपो ट्रांसपिरेशन वो सारे टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स लेंगे एंड थियरी क्वेश्चन लेंगे ठीक है सो वी विल मीट एट इलेवन एएम ऑन अन अकेडेमी स्पेशल क्लास ओके सो मार्क द टाइम इलेवन ए एम एंड स्पेशल क्लास इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू ठीक है सर so, आप सभी स्पेशल uh, क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं फर्दर टिक विच इज इन फिल्ट्रेशन ओके एंड दो स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लेट्स क्रैक गेट एंड ई एसी सिविल तो आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप आपको हमारे अपकमिंग लेक्चर्स की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी राइट right? सो so आपको कब कौन सा लेक्चर होने वाला है वो आपको एडवांस में पता चल जाएगा एंड अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस सब्सक्रिप्शन देन यू कैन यूज दिस कोड कोमल पी एंड गेट टेन परसेंट ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट ट्वेल्ल ईयर ट्वेल्व मंथ्स और ट्वेंटी फोर मंथ्स आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है आप ले सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम माई लेक्चर्स आप दूसरे एजुकेटर्स के भी लेक्चर्स वहाँ से एसेस कर सकते हैं ठीक है एंड आपको हमारा टेस्ट सीरीज जो है वो भी टोटली फ्री मिलेगा आफ्टर ज्वाइनिंग आर सब्सक्रिप्शन थैंक यू राजकुमार जी ओके गुड बाय टू ऑल विल मीट टुमारो हैव अ नाइस डे गुड बाय